झारखंड के धनबाद में सड़क हादसे में एक जिला जज की मौत के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जज उत्तम आनंद कई गैंगस्टर के मामलों की सुनवाई कर रहे थे। तीन दिन पहले ही उन्होंने एक गैंगस्टर के गुर्गे की जमानत अर्जी खारिज की थी। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों ने जज की हत्या सुनियोजित ढंग से करवा दी। कोयलांचल में जज की मौत का गहरा राज क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। तारीख 28 जुलाई 2021, वक्त 5:08, जगह रणधीर वर्मा चौक धनबाद। भोर का पहर, सुनसान सड़क, न राहगीर न गाड़ी। सड़क किनारे एक आदमी चहल कदमी करते दिखा। अचानक सीन में एक ऑटो आया, ऑटो ड्राइवर ने स्टेयरिंग घुमाया, लेन बदली और मॉर्निंग वॉक कर रहे शख्स को कुचलकर भाग निकला। पहली नजर में इसे जिसने देखा उसे हादसा लगा, लेकिन जैसे ही मृतक की पहचान उजागर हुई पूरे धनबाद में खलबली मच गई। सरे राह ऑटो से एक जज को रौंदा गया था जिनका नाम उत्तम आनंद था। वो झारखंड के धनबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश थे। जज को टक्कर मारने की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ दिखाई दिया कि ऑटो ड्राइवर ने लेन बदलकर मॉर्निंग वॉक कर रहे जज को अपनी चपेट में ले लिया और फिर सीधी लेन में आकर फरार हो गया। बाद में ये ऑटो एक पेट्रोल पंप पर तेल भराने के लिए रुका। जज उत्तम आनंद के परिवार ने सीसीटीवी तस्वीरें देखने के बाद इसे सुनियोजित हत्या की साजिश बताया। हमारा मांग क्या है? हमारा मांग है यही कि सीबीआई से जांच हो और जो है ये न्यायाधीश भी नियुक्त करके उनसे जांच कराए। घटना से संबंधित जो विभिन्न पहलू है उनका सखोल और बारीकी से अनुसंधान किया जाएगा और जो भी आगे फैक्ट्स आएंगे उसके हिसाब से अग्रदर कार्रवाई इसमें की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जज उत्तम आनंद की मौत की वजह सिर पर चोट लगने से बताई गई, जबकि परिवार का आरोप है कि उत्तम आनंद के सिर पर रॉड से हमला भी हुआ था। जज की मौत के बाद जांच में जुटी धनबाद पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ वारदात में शामिल आरोपी भी दबोच लिया गया। ऑटो ड्राइवर ने पुलिस पूछताछ में गुनाह कबूल भी कर लिया, लेकिन उत्तम आनंद की डेथ मिस्ट्री पूरी तरह सुलझ गई। पुलिस ऐसा नहीं मान रही। इसके पीछे है कोयलांचल की क्राइम हिस्ट्री, जज उत्तम आनंद की अदालत में चल रहे मुकदमे। उत्तम आनंद की कोर्ट में कई बड़े केस की सुनवाई चल रही थी। इसमें सिंह मेंशन के करीबी रंजय सिंह का हत्याकांड भी है। उत्तर प्रदेश के शूटर अभिनव प्रताप सिंह के मामले की सुनवाई जज उत्तम आनंद की कोर्ट में हो रही थी। जेल में बंद दर्जनों हत्याकांड में संलिप्त गैंगस्टर अमन सिंह के केस की सुनवाई भी उत्तम आनंद की कोर्ट में चल रही थी। उत्तम आनंद ने तीन दिन पहले ही शूटर अमन सिंह के शागिर्द की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, यानी उनके दुश्मनों की फेहरिस्त लंबी थी। जज उत्तम आनंद कई गैंगस्टर के टारगेट पर थे। बोकारो से ट्रांसफर होकर धनबाद आने के बाद से उत्तम आनंद की अदालत में खूंखार गैंगस्टर के केस चल रहे थे। इन मुकदमों में कुछ राजनीतिक हस्तियों के नाम भी जुड़े हैं। ऐसे में जज उत्तम आनंद की मौत को जल्दबाजी में हादसा करार देने से पुलिस भी बच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।